अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम फूड डायरी में। मैं डाइटिशन महदीय पायंदे आज आपको एक ऐसे फल के बारे में बताना चाहूँगी जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी हुआ है और जिसके काफ़ी सारे हदीसें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ जैतून के बारे में, यानी ऑलिव्स। ऑलिव्स दो तरह के अवेलेबल है, एक ग्रीन ऑलिव्स है और दूसरा ब्लैक ऑलिव्स, लेकिन दोनों का न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलिव्स में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जैसे हाइड्रोक्सी टायरोसोल और एंथोसाइनेंस। हाइड्रोक्सी टायरोसोल के ढेर सारे बेनिफिट्स हैं, उनमें से दो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला ये है कि वो कैंसर प्रिवेंशन में काफ़ी मददगार होता है और दूसरा ये है कि बोन हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव करता है। हाइड्रोक्सी टायरोसोल कैल्शियम को बोन से डिपॉजिट करता है और बोन लॉस बिकॉज ऑफ कैल्शियम लीचिंग उसे रोकता है। इस तरह से बोन डेंसिटी हमेशा मेंटेन रहता है। मेडिटेरेनियन रीजन में काफ़ी सारे ऑलिव्स का इस्तेमाल होता है। इसके लिए एक स्टडी के मुताबिक वहाँ के जो लोग हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी शिकायतें काफ़ी कम रहती है। आइए नाज़रीन, अब हम रुक करते हैं ऑलिव्स के न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन की ओर। ऑलिव्स में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन ई, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आयरन है, फाइबर एंड कॉपर। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ऑलिव्स में 80-85% जितना फैट्स होता है, लेकिन जितना भी फैट है वो सारा गुड क्वालिटी फैट है। म्यूफा काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऑलिव्स में पाए जाते हैं। म्यूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हम म्यूफा को SFA या प्यूफा के साथ कंपेयर करें सो म्यूफा इज़ द बेस्ट फैटी एसिड जो ऑलिव्स में प्रेजेंट है। म्यूफा जो है वो काफ़ी सारे कार्डियोवास्कुलर यानी दिल की बीमारियों को काफ़ी कम करता है। म्यूफा डिक्रीजेज LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL और HDL के रेशियो को कम करता है, टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल पे लेके आता है। तो अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज़ है तो अगर वो अपने डाइट में ऑलिव्स या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करे तो काफ़ी बेहतरीन होता है। म्यूफा ब्लड प्रेशर को भी स्टेबलाइज करता है, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लेके आता है। जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार है अगर वो अपने डाइट में ऑलिव्स या ऑलिव ऑयल को इंक्लूड करे तो काफ़ी बेहतरीन है। आजकल ज़्यादातर लोगों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पाया जाता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? हम देखते हैं कि आजकल पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, हमारा डाइट काफ़ी चेंज हो चुका है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल हम जीते हैं। ऑल दीज आर रीजंस फॉर टू मेनी फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडी। ये जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। सेल्स में DNA होता है, उसे म्यूटेट करते हैं यानी उसमें बदलाव लाते हैं। दिस इज़ द लीडिंग कॉज फॉर कैंसर और काफ़ी सारे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि आर्थराइटिस है, प्लाक फॉर्मेशन है एंड फर्दर कार्डियक अरेस्ट। तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारे डाइट में एंटीऑक्सीडेंट एडिक्वेटली लें। ऑलिव्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑलिव्स में हम विटामिन ई पाते हैं, सिलेनियम है, जिंक है। इसके साथ में काफ़ी सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनके काफ़ी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि ऑलियोरोपिन। ऑलियोरोपिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे बॉडी में। ऑलियोरोपिन जो है हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को रोकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कोलेस्ट्रॉल। जब LDL कोलेस्ट्रॉल फ्री रेडिकल के शिकार होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है ऑक्सी LDL में। ये ऑक्सी LDL ब्लड वेसल्स पे डिपॉजिट हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो हमारा डायमीटर है ब्लड वेसल्स का वो नैरो हो जाता है, यानी कम हो जाता है, और जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी धीमा हो जाता है। एज ए रिजल्ट काफ़ी सारे ऑर्गन्स को लेस ब्लड सप्लाई मिलता है। लेस ब्लड सप्लाई मतलब लेस न्यूट्रिशन एंड लेस ऑक्सीजन, विच इज़ अ लीडिंग कॉज फॉर अटैक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑलियोरोपिन जो ऑलिव्स में मौजूद है ये काफ़ी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। फ्री रेडिकल्स हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, तो अगर हम हमारे डाइट में एडिक्वेटली इस पर्टिकुलर फाइटोन्यूट्रिएंट को ले तो जो नर्वस सिस्टम का डैमेज है उसे रोका जा सकता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हो कि ऑलिव्स हम डायबिटिक पेशेंट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑलिव्स का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो काफ़ी लो रहता है। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स से ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है, विच मेक्स इट वेरी बेनिफिशियल फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। ट्राइटॉपिन एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जो ऑलिव्स में पाया जाता है। ट्राइटॉपिन खास करके दो किस्म के कैंसर्स को रोकता है, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर एंड स्टमक और गैस्ट्रिक कैंसर। फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और उसके जो DNA है उसे भी चेंज या म्यूटेट करते हैं, विच इज़ अ लीडिंग कॉज फॉर कैंसर।
तो अगर ये ट्राइटोपिन हम एडिक्वेटली ले डाइट में तो फ्री रेडिकल्स डैमेज उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और कैंसर से हमें बचाते हैं। वो हजरात जो चाहते हैं कि उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो, शार्प हो, उनकी लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा हो, तो उन्हें अपने डाइट में जैतून का इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं जैतून को अपने डाइट में शामिल करने से हम काफ़ी सारे दिमागी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर और अल्जाइमर्स डिजीज़। नाज़रीन, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि ऑलिव्स में ढेर सारा आयन मौजूद है जो हमारे बॉडी में आयन के मिकदार को बढ़ा सकता है, तो वो लड़कियाँ जिनको आयन डेफिशिएंसी अनीमिया जैसी तकलीफ है, वो अगर अपने डाइट में ऑलिव्स का इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली उनको इससे राहत मिल सकती है। तो नाज़रीन, देखा आपने ऑलिव्स दिखने में कितने छोटे हैं लेकिन कितने फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद करते हैं आप अपने डाइट में रोज़ इसे शामिल करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।